एक तरफ से कर दो मंच पे हमारे उम्मीदवार महागठबंधन आरजेडी के विपिन कुमार जी, मंच पे उपस्थित सभी महागठबंधन आरजेडी के कुल प्रत्याशी सब लोग यहां उपस्थित हैं। समय का भाव है, आप जान रहे केवल चार दिन ही प्रचार में बचा है और ज्यादा से ज्यादा जगहों पे हमको जाना है। मंच पे जीते चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें, छाता धूप जनता को आदाब को बनाना, लेकिन हम कोई पकाऊ और थकाऊ भाषण देने लगे। हम सीधे मुद्दे की बात करें, यहाँ का मुद्दा क्या है? पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, महंगाई, ये असल मुद्दे हैं, ये असल मुद्दे हैं। 15 साल से बीजेपी का नीतीश बाबू का सरकार है, लेकिन बताओ एक कारखाना दिया, एक नौकरी मिला, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। आप देखिएगा शिक्षा चौपट हो गया, आप देखिएगा चिकित्सा पूरा अस्पताल चले जाए तो बदहाली किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जो है असल मुद्दे हम इस पे हम बात, और नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के कठपुतली है, आरएसएस के कठपुतली है। इसलिए आप सब लोग समझ रहे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां भी आ गई हैं जो केवल वोट बांटने का काम करती हैं, लेकिन आपको बता दें सरकार बनाने नीतीश जी कहते हैं केवल तेजस्वी यादव को गाली देने में लगे, केवल तेजस्वी यादव के पीछे मेरा एक हेलीकॉप्टर उनका 30 हेलीकॉप्टर मिलता, लेकिन एक बिहारी सब पर भारी है, उनका पेट भी बिहारी है और मेरा डीएनए भी शुद्ध है। इसलिए देखो हम तो नफरत को खत्म करना चाहते हैं, हिंदी का भी डाल नौकरी बड़े समाज के लिए देखा हम ज्यादा कुछ ना कहें, लेकिन ये बात जरूर कहें कि ये नौजवान 31 साल देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने ताकत दी है, वो लोग ताकत देने बड़े हैं। प्यार मोहब्बत एकता के बाद होने चाहिए, इसलिए अगर आप लोग हमको मौका दीजिएगा तो नया बिहार बनाने में तेजस्वी यादव, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के भाई हो, अति पिछड़ी जाति के भाई हो, चाहे हमारे दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ लेकर चाहिए। विश्वास नहीं रखते, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। कुंदन पूर्णिया समाज से आते रहते, पिछड़ा समाज से आते, हम लोगों ने महागठबंधन ने स्वर्ण जाति का भी टिकट वितरण में ख्याल रखा, हम लोगों ने अल्पसंख्यक भाइयों को भी सबसे ज्यादा किसी ने टिकट दिया तो आरजेडी ने दिया। आप देखिएगा दलित को सबसे ज्यादा टिकट हम लोगों ने दिया, पिछड़े हो अति पिछड़े हुए सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप
आदिवासी भाई क्यों ना हो उनको भी हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। कोई समाज का तबका ऐसा ना हो जो पीछे छूटे, सबको हम लोगों ने मौका दिया है भागीदारी की। इसलिए कुछ लोग आएंगे बहकाने, बहकेगा मत, एक जुट रहिएगा, तातुम के चक्कर में वृक्ष मत उठा दीजिएगा। कुछ कुछ पार्टी है ना घुमा घुमा के गठबंधन हो रही है, वो सब बीजेपी के इशारे पे किया जा रहा ताकि आपके वोट को बांटा जाए। इसलिए हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, एक मौका मिलेगा तो हमने नवरात्र किया था, कलश की स्थापना की थी, संकल्प लिया था कि मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा पहला कलम चलेगा उसका समर्थन। ये चुनाव के साथ साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन भी है। बताओ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, वृद्धा पेंशन 400 से हम 1000 कर देंगे। और आप देखिएगा नियोजित शिक्षकों की जो मांग है समान काम समान वेतन वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा आंगनबाड़ी है आपकी जीविका दीदी है या आशा वर्कर हो गया, जितनी स्वयं सहायक समूह है उन सबको नियमित किया जाएगा और नियमित करने के साथ साथ उनके मानदेय को दुगना से ज्यादा हुआ है। निश्चित होकर जाना छाता की जनता, हो जब तक सब लोग खड़े तो हम विजय